आप देखो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल यहाँ के अगर ट्रैप हो जाता है, फॉरेन बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है और इस इंटरस्टीशियल साइट में जाके ट्रैप हो जाता है, या यहाँ ट्रैप हो जाता है, या यहाँ ट्रैप हो जाता है, या यहाँ ट्रैप हो जाता है, कहीं भी। और आपको पता है ना कि जो लैटिस साइट के बीच में जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल साइट। तो इसमें क्या है कि कोई केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, बस एक फॉरेन पार्टिकल आके यहाँ ट्रैप हो जा रहा है। इसको हमें बोलते हैं बच्चों इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ड्यू टू दिस डिफेक्ट फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं होता, ठीक है। दैट इज व्हेन सम स्मॉल फॉरेन एटम इज ट्रैप इन द इंटरस्टीशियल वॉइड ऑफ द लैटिस विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो फॉर्मूला रिमेन सेम। और अगर बात करें अगर डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज फॉरेन पार्टिकल अगर ट्रैप होगा तो मास ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज होगा, वॉल्यूम तो जो है वही रहेगा। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, मास इंक्रीजेस, देन डेंसिटी आल्सो व्हाट, इंक्रीजेस। मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, सीधा बात। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो ये कंडीशन है, मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगा, सीधी बात, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब देखें मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब ये है कि मेटल दैट इज कैटायन का नंबर है ना, एनायन के नंबर से ज्यादा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल जो एक्सेस में हो रहा है उसका दो रीजन होता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन ये है, आप नंबर वाइज मेटल को ज्यादा रख दीजिए तब मेटल ज्यादा होगा। दूसरा ये है कि मेन लैटिस साइट से आप एनायन को बाहर निकाल दीजिए तो नंबर वाइज एनायन कम हो जाएगा, इस वजह से ऑटोमेटिक वहां पे कैटायन का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तब यहाँ पे बच्चों मेटल एक्सेस होने का जो रीजन है वो है मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी। इसका मतलब यह हुआ कि जब सम एनाइन अपने लैटिस साइट से गायब हो जाएगा, मिसिंग रहेगा, देन उस केस में मेटल का नंबर अधिक हो जाएगा कंपेरेबल टू एनाइन। सो हम इसे क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बट व्हाट, ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। जैसे देखिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस या माइनस होगा, माइनस प्लस, देखो बच्चों अभी ये जो साइट है वो एनायन का है और ये साइट भी एनाइन का है, बट यहाँ पे एनाइन प्रेजेंट नहीं है, ओके। अब एनाइन प्रेजेंट नहीं है, अगर होता तो जितने कैटाइन होते उतना एनाइन होता, ओके। तो मेटल एक्सेस का तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, चूंकि एनाइन बाहर जा चुका है तभी मेटल क्या है, ज्यादा है कंपेरेबल टू एनाइन, तो क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी। और ये एक नॉन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है, नॉन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट। ड्यू टू दिस डिफेक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस क्रिस्टल चेंज। वाई? पहले इक्वल था, बाद में अनइक्वल हो गया, तो फॉर्मूला ऑब्वियसली इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो साइट आप देख रहे हो ये क्या हो गया बच्चों, एनायनिक वैकेंसी, और ये वाला क्या हो गया आपका, एनायनिक वैकेंसी, ठीक है। अब देखिए, चूंकि जब एनायन बाहर जाएगा तो निगेटिव चार्ज को भी वो बाहर लेकर जाएगा, तो अब निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए है ना, निगेटिव चार्ज पहले जितना था उतना मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को क्या कर दे, बैलेंस, है ना। तब फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव नेट वापस से बैलेंस हो जाएगा और नेट होल क्रिस्टल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्योंकि हमारा हर बार यही थीम होना चाहिए कि नेट क्रिस्टल न्यूट्रल हो, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए, चूंकि यहाँ डेफिशिएंसी हो गई थी निगेटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है निगेटिव चार्ज, इस वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिया और ये
सिस्टम क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब बात यह है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को हमने रखा है जिस साइड पे, उसका नाम हो जाएगा एफ सेंटर। ठीक है, एफ सेंटर, ये भी क्या हो गया आपका, एफ सेंटर हो गया। ठीक है, एफ सेंटर का मतलब था फार्ब सेंटर, विच मीन्स कलर। ठीक है, एफ एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, फार्ब, फार्ब एंड विच मीन्स कलर, कलर दट इज इस साइड से कलर जनरेट होगा। और आपको पता होगा कि देखो यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, यहां भी अलग अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक टाइप का होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, कलर जनरेट होगा बच्चों। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। मतलब सीधी बात है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, तो जैसा नाम वैसे ही, मतलब सीधा समझ ले, एज द नेम सजेस्ट इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ द एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस। ठीक है, ड्यू टू विच मेटल इज इन एक्सेस, ड्यू टू विच मेटल इज इन एक्सेस एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसी। ओके, द सेंटर इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड आर नॉन एज एफ सेंटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। और याद रखना कि जितना ज्यादा एफ सेंटर होगा क्रिस्टल में, उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा कलर का। ठीक है, जितना कम होगा एफ सेंटर, इंटेंसिटी कलर का उतना कम होगा, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो आप। इसके बाद अगर बात करें कंडक्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड इट बिहेव एज एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन मैंने आपको बता दिया, इस कंडीशन को आप ध्यान में रखना। अंडरस्टैंड, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद एक और डिफेक्ट है बच्चों, इसका नाम है मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन, मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टीशियल इंटरस्टीशियल कैटायन। ठीक है, तो यहां पे ये कंडीशन है, मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन। इसमें कैसा है बच्चों, यहां भी मेटल एक्सेस में होगा, लेकिन किसके वजह से, ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन के वजह से। ठीक है बच्चों, तो मतलब कैसा है, मान लो ये आइडियल क्रिस्टल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, फिर यहां हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ओके, देखिए इसमें जो ये साइट है, इस इंटरस्टीशियल साइट, ये जो साइट है ये क्या, इंटरस्टीशियल साइट, ये जो साइट है क्या हो गया, इंटरस्टीशियल साइट। मान लो यहां पे कोई भी एक मेटल आयन आके ट्रैप्ड हो गया इंटरस्टीशियल पोजीशन। ठीक है, तो नंबर वाइज मेटल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वापस से पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप्ड हो जाता है इस तरीके से, ताकि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो। ठीक है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा मेटल एक्सेस ड्यू टू व्हाट, इंटरस्टीशियल कैटायन। सीधा बात यहां याद रखिएगा, इन दिस क्रिस्टल डिफेक्ट सम एक्स्ट्रा मेटल आयन आर ट्रैप्ड इन इंटरस्टीशियल ड्यू टू विच मेटल इज इन व्हाट, एक्सेस टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन अनदर इंटरस्टीशियल, है ना, ड्यू टू विच कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस एंड इट बिहेव एज व्हाट, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। इसके बाद एक और डिफेक्ट, मेटल डेफिशियंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। ठीक है, कैटायन के वैकेंसी के वजह से मेटल जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब मेटल की कमी हो जाएगी। ठीक है,
जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए और ये आखिरी डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें ध्यान से जरा देखिए कंडीशन क्या है बच्चों, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। कैटायन का वैकेंसी अगर कहीं हो जाएगा तो मेटल का नंबर क्या जाएगा, कम हो जाएगा कंपेयर टू नॉन मेटल, है ना। तो उसी वजह से हम क्या कहते हैं, कहते ये हैं कि यहाँ पे मेटल का डेफिशिएंसी हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज FeO एक कंपाउंड है, ठीक है, इसको हम अरेंज करते हैं Fe प्लस टू ओ माइनस टू, Fe प्लस टू ओ माइनस टू, ठीक है। इसके बाद है बच्चों इधर देखिए, फिर से ओ माइनस टू, इधर Fe प्लस टू, ओ माइनस टू, Fe प्लस टू, इधर देखो बच्चों Fe प्लस टू, ये इस तरीके से आइडियल क्रिस्टल को हमने अरेंज कर दिया। बच्चों देखो होता क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए अगर हम फॉर्मूले का बात करें तो नंबर ऑफ कैटायन कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 Fe8 और ओ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 O8, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, FeO। अंडरस्टैंड, क्लियर है बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। रिप्लाई नहीं आ रहा आपका आज बिल्कुल भी, ठीक है, रिप्लाई करते जाइए, ये लिखना तो है नहीं अभी आपको, तो रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना यार, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि इसमें जो भी सिचुएशन आपको दिया हुआ है, अब इसके हिसाब से अगर हम देखें कि Fe प्लस टू ओ माइनस टू, Fe प्लस टू ओ माइनस टू, जो भी चीज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यहां से कुछ मेटल आयन बाहर हम कर दिए, सपोज Fe प्लस टू को बाहर कर दिए, तीन Fe प्लस टू को, ये तीनों को हमने गायब कर दिया बाहर, तीन गायब करेंगे तो तीन लोकेशन में गायब होगा, ठीक है, और जनरेट हो जाएगा यहाँ पे ओ माइनस टू, Fe प्लस टू, ओ माइनस टू, ओ माइनस टू, माइनस टू, Fe प्लस टू, Fe प्लस टू, ओ माइनस टू, ये गायब, फिर ओ माइनस टू, ओ माइनस टू, Fe प्लस टू, ओ माइनस टू, Fe प्लस टू, ठीक है। ऐसे देखो इस लोकेशन से गायब हो गया, इस लोकेशन से गायब, इस लोकेशन से गायब। अब होता ये है बच्चों कि टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हमने अब यहां पे जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल आयन को बाहर निकाला है उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल आयन को ट्रैप्ड कर देंगे, ओके। तो जैसे मान लो कि आयरन का दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक Fe प्लस टू दूसरा Fe प्लस थ्री, पहले Fe प्लस टू बाहर निकाले उसको ऑक्सीडाइज के Fe प्लस थ्री में कन्वर्ट हो गया एंड इस Fe प्लस थ्री को जो वैकेंसी है वहां पे ट्रैप्ड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक वैकेंसी यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे वैकेंसी है, तो हमने क्या करना है बच्चों, हमने क्या करना है, करना ये है कि सीधा सीधा हम यहाँ भर दिए Fe प्लस थ्री और यहाँ भर दिए Fe प्लस थ्री। तो देखिए हमारा कंपाउंड जो है ना न्यूट्रल हो चुका। बोलोगे सर कैसे, तो देखिए तीन लोकेशन से Fe प्लस टू अगर हमने बाहर निकाला तो सिक्स पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया, और अगर तीन लोकेशन के बदले दो लोकेशन पे हम Fe प्लस थ्री रख दिए तो सिक्स पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया, तो ये कंपाउंड न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया न्यूट्रल। अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe, फॉर्मूला क्या जाएगा बच्चों इसका, फॉर्मूला जाएगा Fe, काउंट करो 1 यहां तो है नहीं, 2 3 4 5 6 7 Fe7 O8। अब देखो 8 अगर कॉमन निकालते हैं तो Fe7 by 8 O दैट इज Fe, है ना। अब यहां पे जाएगा Fe.87 हो, देखो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। और हमने कहा था इस टाइप में कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe प्लस टू
एन परसेंट है और एफ प्लस थ्री, क्योंकि हमने बोला था बच्चों कि इस टाइप का जब भी कंपाउंड आपको दिख जाए तो आप ये मत समझना कि यहाँ पे एटम वन से छोटा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ऑन एवरेज है, यहाँ पे प्लस टू वाला भी है प्लस थ्री वाला भी है, इस वजह से इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मूला आया है एपी 0.87 हो। बट हमें पढ़ाया कैसे जाता है कि नहीं यहाँ एक से छोटा एटम हो गया तो ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। जब आप पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो डाल्टन साहब ने क्या बोला था कि जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का जो फॉर्मूला है वो स्टोइकोमेट्रिक होना चाहिए। मतलब क्या, एटम प्रेजेंट होने चाहिए सिंपल रेशियो में, और यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ पे एटम सिंपल रेशियो में प्रेजेंट नहीं दिखेगा आपको 0.87:1। हम कहते हैं अरे यार ऐसा कंपाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा कि एटम डिविजिबल नहीं है, एटम डिवाइड हो रहा है। बट रियलिटी में आप देखिए कोई एटम डिवाइड वाइड नहीं हो रहा, कुछ भी आयन डिवाइड नहीं हो रहा। एक्चुअल में हम रेशियो निकाल रहे ओ को वन बनाने की वजह से इसको ऐसा कन्वर्ट होना पड़ा, क्योंकि पहले हम फॉर्मूला FeO इसका लिख रहे थे इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड जनरेट होता है। अभी मान लो और हम ज्यादा यहां से निकाल दिए Fe प्लस टू, छह Fe प्लस टू निकाल दिए, तो चार पोजिशन पे हमको देना पड़ेगा Fe प्लस थ्री, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा माई डियर स्टूडेंट। समझ रहे हो बात हमारी, बात हमारी समझ रहे हो तो बोलो आप, हमारी बात समझ पा रहे हो आप, गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, और बाकी यहां पे मैंने आरके टेक्निक आपको बता ही दिया है। बाय यूजिंग आरके टेक्निक आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, कुछ भी कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बताए थे आरके टेक्निक कि नंबर लाइन मेथड बना लेना, मिनिमम वाले को यहाँ रिप्रेजेंट कर देना, मैक्सिमम वाले को यहाँ रिप्रेजेंट कर देना, और यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे आप, यहाँ पे करेंगे आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट। अगर आपको परसेंटेज निकालना है मिनिमम का तो इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम माइनस एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइड बाय मॉड ऑफ मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना, और इनटू क्या करना है 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा बच्चों किसका, मिनिमम का। ओके, इन दिस नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। एंड अगर परसेंटेज निकालना है आपको मैक्सिमम का तो ये हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ऑफ मिनिमम, ठीक है, और डिवाइड बाय मैक्सिमम और माइनस मिनिमम, ओके, और इनटू कर देंगे 100, तो यहां से आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आ गई, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, मैंने मतलब जितना पढ़ाना था एक एक चीज पढ़ा दिया। अब एक लास्ट टाइप का मैं आपको प्रॉब्लम कराता हूं जो कि जेई लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, बोर्ड्स के हिसाब से सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिए बच्चों। क्या आप लोगों को आप किसी टॉपिक में दिक्कत है सॉलिड स्टेट में, मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया आपके लिए सॉलिड स्टेट में, अब आपको एफर्ट लगाना, आपको पढ़ना है, आपको बताना है क्या किसी टॉपिक में दिक्कत है, जल्दी से जवाब दो बच्चों। हम लोग फिर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, नेक्स्ट टारगेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों, नेक्स्ट टारगेट है अपना सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो बच्चों सारा चीज सारा बात मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अरे बोलो किसी को दिक्कत है बच्चों, बच्चों इसके बाद आप क्या करना ना कि देखो जो
जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सब पढ़ लेना आप, थ्योरेटिकल है बिल्कुल, उसको रीड कर लेना बुक से और कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना, इसमें आप पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। उसके बाद साथ ही साथ बच्चों ये सारे देखो इधर, इससे भी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डायमैग्नेटिज्म, तो ये देख लेना कैसे लिखना है इसको। उसके बाद है बच्चों एक्सप्लेन ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, ये आप देख लेना, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। इसके अलावा कभी पूछे आपको एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म, तो इसके बारे में अच्छे से रीड कर रखोगे तभी लिख पाओगे, एकदम थ्योरेटिकल है ये सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामैग्नेटिक पहचाने का क्या तरीका है ये सब आपको सब पता है, ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे पूछिए। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, वॉइस आ रहा है बच्चों, वॉइस आ रहा है, वॉइस यस, ठीक है, हाँ, तो ये हो गया पूरी बात। और बच्चों एक काम करना है कि पूरे चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा है बच्चों, आप खुद ही देख लो, सारे टॉपिक मैंने करा दिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक चीज मैंने आपको करा दिया। जैसे देखिए अपने पास पूरा टॉपिक था बोर्ड का, चैप्टर का, ये एक्चुअली स्टेट बोर्ड का बुक है बच्चों, मैंने ये पहली बार खरीदा है, देखो ये स्टेट बोर्ड का है ना। अब इसमें देखो, इसमें पहले इंट्रोडक्शन बता दिए, टाइप ऑफ सॉलिड बता दिए, देखो क्रिस्टलाइन, अमरफस, आइसोमोर्फिज्म, पॉलीमोर्फिज्म, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट नेटवर्क, मॉलिकुलर सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टल, है ना। इसके बाद यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल, क्यूबिक सिस्टम, है ना, इसमें सारा बात बता दी आपको। इसको देखो पैकिंग, क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, एकदम डिटेल में पढ़ा है, एडवांस लेवल का, क्वेश्चन बनाओ सब बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ व्हाइट पर एटम इन एससीपी सीसीपी, ये सब बता दिए। पैकिंग इफिशियंसी, मेटल क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक लैटिस, ये सारा बात बता दी बच्चों आपको। कुछ भी बोलो छुटा हो क्या, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एक्स मेटल क्रिस्टल, ये सब बता दिए। क्रिस्टल डिफेक्ट बता दी बच्चों, बस ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, ठीक है, मेटलिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये आप रीड कर लेना, इसमें कोई दिक्कत जाए तो मुझे पूछ लेना। इसमें पढ़ना है बच्चों आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और दूसरा बैंड थ्योरी, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पढ़ना है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है बच्चों, जो कि बिल्कुल थ्योरेटिकल है, उसको आप रीड कर लेना, ओके। सारे बच्चे एक बार मैसेज कर दो, सर हो गया सॉलिड स्टेट, दूसरे चैप्टर में जाना है, सॉलिड स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेडब्ल्यूई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया बच्चों, अब आप एक को एफर्ट लगाना है, ठीक है, आपको एफर्ट लगाना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो सॉलिड स्टेट को एंड करते हुए एक लास्ट टाइप ऑफ मैं प्रॉब्लम करा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन का पैटर्न देखो, इसमें कुछ करना नहीं है, थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन टाइप का पैटर्न, और ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है इससे। क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि इन एनएसीएल, इन एनएसीएल क्रिस्टल, इन एनएसीएल क्रिस्टल इज डोप्ड विथ, इज डोप्ड विथ, इन एनएसीएल क्रिस्टल इज डोप्ड विथ, डोप्ड विथ 10 टू द पावर माइनस 3 मोल परसेंट ऑफ SRCl2, ठीक है, SRCl2, क्वेश्चन लिख लीजिए, थ्योरी जहां लिखी है उसके बाजू में ये, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी इन द क्रिस्टल,
ठीक है, इन NaCl क्रिस्टल इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2, देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी इन द क्रिस्टल। ठीक है, जो कैटायन का वैकेंसी है क्रिस्टल में, ठीक है, कैटायन की जो वैकेंसी है क्रिस्टल में, उसमें पूछ रहा है कि बताओ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, कंसंट्रेशन के टर्म में पूछता है। ऐसा क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। कोई है जो इसको सॉल्व करके दिखाए? अगर नहीं तो बोलो, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। आप में से कोई है जो सॉल्व करके किस्मत आजमाना चाहेगा इस क्वेश्चन में? किसी ने इस टाइप का प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर रखा है? कर रखे हो तो करो, नहीं तो फिर मैं बढ़ूंगा आगे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ओ बालकों। अरे बोलो, नहीं बोलते यार तुम लोग, यही जो नहीं बोलते ना, मेरे को दिमाग खराब हो जाता है यार सुबह सुबह। अरे ठीक है, आगे देखिए, अब इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। देखो सीधा बात बच्चों, यहां लिखा है 10⁻³ मोल परसेंट, इसका मतलब ये है कि 100 मोल में हमने 10⁻³ मोल SrCl2 डोप्ड किया है। तो बच्चों 1 मोल में कितना किए होंगे? 10⁻³/100, दैट इज 10⁻⁵ मोल ऑफ SrCl2। ठीक है प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 10⁻⁵ मोल ऑफ SrCl2, ये आ गया, समझ रहे हो? तो अगर नंबर निकाले, अगर हम नंबर वाइज तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ इंटू मोल का वैल्यू कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, याद रखना मोल का वैल्यू होता है Na, और इस Na का नंबर वाइज एक्सप्रेशन होता है 6.023 10⁻²³। ठीक है, तो यहां पुट कर देंगे अब हम 10⁻⁵ इंटू 6.023 इंटू 10⁻²³। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻ क्या आपका 23 में 5 जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 18। तो ये हो गया। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी इन द क्रिस्टल, मतलब नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी बताओ, कितने वैकेंसी है वहां पे एग्जैक्ट कैटायन का। ठीक है, तो मतलब पूछ रहा है आपको नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी। ठीक है, कैटायन वैकेंसी, तो देखो सीधी बात कैसे निकलेगा, मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात जरा सुनो, आप खुद समझो कि NaCl का क्रिस्टल है, मतलब +1 माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और देखो माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मेरी बात समझिए कि Na में जो कैटायन है उस पर क्या चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज, और एनायन में क्या चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज। तो +1 माइनस वन प्लस वन, ठीक है माइनस प्लस, ठीक है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है समझ गए? तो ये कंडीशन है, ये NaCl का क्रिस्टल है माय डियर स्टूडेंट। अब इसमें देखिए हम यहां पे ट्रैप्ड कर रहे हैं क्या SrCl2, तो Cl को तो भूल जाओ बेचारा, ऑलरेडी है यहां पे Cl, हम एक्चुअल में क्या ट्रैप कर रहे हैं Sr+2 ट्रैप कर रहे। अब एक बात समझिए कि दो पोजीशन से जब Na प्लस गायब होगा तो दो पॉजिटिव चार्ज का डेफिशिएंसी जनरेट होगा, लेकिन उस दो पॉजिटिव चार्ज को ये Sr+2 अकेले बैलेंस करने का क्षमता रखता है। तो मान लो इसमें से किसी एक पोजीशन पे Sr+2 रख दिए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बैलेंस। तो आप एक चीज और क्या ऑब्जर्व किए कि 1 पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब 1 Sr+2 पे एक कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हो रहा है। सपोज दो पोजीशन से और Na प्लस गायब हो जाए, तो दोनों पोजीशन पे तो हम Sr+2 नहीं रखेंगे ना, इन दोनों में से कहीं एक रखेंगे। तो मान लो अगर हमने यहाँ पे Sr+2 रख दिया, तो देखो एक वैकेंसी और जनरेट हो गया। तो देखो दो Sr+2 रखने पे
दो दो वैकेंसी जेनरेट हो गया, और ये दोनों दोनों कैसा है बच्चों, कैटाइनिक वैकेंसी है। तो यहां पे क्या आ गया, दो दो कैटाइनिक वैकेंसी आ गया। तो यहां से क्लियर क्या हुआ कि देखो इसमें ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि दो पॉजिटिव चार्ज का डेफिशिएंसी पे अकेला SR+2 जाके बैलेंस कर दिया, तो एक SR+2 के वजह से एक कैटाइनिक वैकेंसी जनरेट हो रहा है। तो ड्यू टू वन SR+2 वन कैटाइनिक वैकेंसी आर जनरेटेड, ठीक है। एंड इसी को अगर हम जनरलाइज करें तो यहां से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ SR+2 आयन डोप्ड इन दिस क्रिस्टल, एंड नंबर ऑफ SR+2 आयन इज इक्वल टू व्हाट, 6.023 × 10^18। तो ये हो गया बच्चों हमारा नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी। सारे बच्चे बता दें एक बार, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको ये थ्योरी समझ में आया, पूरी बात समझ में आ गई बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे बताओ समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को है क्या, बोलो कोई भी प्रॉब्लम किसी को है बोलो, प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, नहीं होना चाहिए, चलिए बढ़िया बात बच्चों। ओके आगे बढ़ूं, अभी एक प्रॉब्लम और इसी पे बेच देता हूं, ठीक है। अभी यहां पे बोल रहा है कि इन NaCl क्रिस्टल, इन NaCl क्रिस्टल इज डोप्ड विथ 10^-3 mol% AlCl3, ठीक है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी, कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी, ठीक है, इन द क्रिस्टल। इन द क्रिस्टल, ओके बच्चों जल्दी से कैलकुलेट करो, आपके पास बस 1 मिनट का टाइम है। आगे आंसर किसी का आया, फिर से यहां देखो, मतलब 100 में कितना 10^-3, 1 में कितना 10^-5 mol, नंबर वाइज कितना इनटू क्या Na, मतलब कितना 10^23, कितना 6.023 × 10^18, ये आपका निकल गया नंबर।